Shiva Shambho Swayambho. Om Shambho Shiva Shambho Swayambho. Om Shambho Shiva Shambho Swayambho. Om Shambho Shiva Shambho Swayambho. Shambho Shiva Shambho Swayambho. Om Shambho Shiva Shambho Swayambho. Om Shambho Shiva Shambho Swayambho. Om Shambho Shiva Shambho Swayambho. Gangadhar Shankar Karunakara Mama Bhava Karunakara Mama Bhava Sagar Taraka. हमारे पास पिछले दिनों में भी कुछ टैलेंटेड
स्पेशल किड्स आए जिन्होंने हमें बहुत सरप्राइज किया. एक और सरप्राइज के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. Thank you.
बनाएंगे, छोटी सी फिल्म। मैं चाहूंगा आप लोग वो प्लीज वो फिल्म देखें एंड देन आई वुड लाइक टू कॉल हर ऑन स्टेज एंड आई वुड लाइक टू थैंक हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। वो आज यहाँ आई, वो बाहर इतना नहीं जाती हैं, बट मेरे कहने पे आप यहाँ पे आई हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब देखिए जब तक तेरा साथ नहीं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में जीना भी कोई जीना है जब तक तेरा साथ नहीं साथ हमारा नदियों पानी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में खूबसूरती का एक अलग अंदाज लेकर आई है अभिनेत्री। अपनी सादगी से इसने सबका दिल जीत लिया। जन्म 15 नवंबर सन 1947 मुंबई में हुआ। नाम विद्या सिन्हा। विद्या सिन्हा के पिता राणा प्रताप सिंह खुद इंडियन फिल्म्स में एक प्रोड्यूसर थे। विद्या सिन्हा ने बतौर मॉडल शुरुआत की थी और ये मिस बॉम्बे रह चुकी हैं। इनके मॉडलिंग करियर के दौरान इनकी एक तस्वीर एक फिल्म मैगजीन में छपी, जिसे देख लिया फिल्म मेकर बासु चटर्जी ने और तब इनकी जिंदगी में आई फिल्म रजनीगंधा, एक ऐसी फिल्म जिसने इतिहास रच दिया, जिसमें इनके साथ थे अमोल पालेकर और दिनेश ठाकुर। विद्या सिन्हा कभी किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं गई और अमोल पालेकर साहब ने भी विधिवत तरीके से अभिनय नहीं सीखा था, पर दिनेश ठाकुर रंगमंच के महारथी थे और उन्होंने विद्या सिन्हा की बहुत मदद की फिल्म रजनीगंधा के दौरान। ये फिल्म इतनी मकबूल हुई कि इसके बाद विद्या सिन्हा ने पी आर चोपड़ा की फिल्म में काम किया। पी आर चोपड़ा बैनर हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे बड़े बैनर्स में गिना जाता रहा। सन 1977 में विद्या सिन्हा राजेश खन्ना के ऑपोजिट काम कर रही थी। राजेश खन्ना साहब जैसे सुपरस्टार के साथ काम करते हुए उन्हें जरा झिझक तो हुई, पर काका जी ने इस नई लड़की को संभाल लिया और उसके बाद इन्होंने पलट के नहीं देखा। इनके हीरो रहे संजीव कुमार, शशि कपूर, विनोद खन्ना, उत्तम कुमार, विनोद मेहरा, शत्रुघ्न सिन्हा और ये फहरिस्त वाकई लंबी है। अब किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। यूं तो इनकी फिल्म पति पत्नी और वो भी खासी मकबूल हुई थी, जिसमें इन्होंने एक जबरदस्त किरदार निभाया था, पर फिल्म रजनीगंधा और छोटी सी बात में इनकी परफॉर्मेंस ने किया। सन 2000 में सीरियल बहुरानी में ये नजर आए और फिर हम दो हैं ना और काव्यांजलि में सलमान खान स्टारर फिल्म बॉडीगार्ड में भी विद्या सिन्हा को देखा गया। वहीं खड़े रहो। थैंक यू। विद्या सिन्हा उन अभिनेत्रियों में से है जिन्होंने बहुत कम फिल्में करके भी अपना एक खास मकाम बना लिया, एक ऐसी मंजिल वाली जो बहुत कम अभिनेत्रियां छू सकती हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में विद्या सिन्हा का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। विद्या सिन्हा जी आपको सुनने के लिए
यहाँ सब लोग थोड़े बेकरार हैं, आप नहीं बोल दीजिए माइक पे, तो यू आल्सो बी गॉन अप ऑल ऑफ अस। थैंक यू सर। और हमारे जो जजेस हमारा साथ दे रहे थे, यस, सो मैं प्लीज रिक्वेस्ट मधुमिता जी टू प्लीज कम अप ऑन स्टेज टू गिव अवे द फर्स्ट प्राइज। आई वुड लाइक टू से सम, कहां जा रहे हैं आप, यहां पे खड़े रहिए इस पे। एक बात मैं आपको पुष्पा मैम के बारे में बताना चाहूंगा। बहुत बहुत सालों से ये सोशल वर्कर हैं, काम कर रही हैं विधवाओं के साथ में, बच्चों के साथ में, और यही काम देख करके आई थिंक आपको जिस तरह सपोर्ट मिला इस बार, आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज सो मेनी इयर्स ऑफ ग्रेट वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग, एंड इट्स ऑनर दैट आप हमारे यहाँ पे आई हैं एंड यू आर जस्ट गिविंग अवे अ प्राइज टू दीज चिल्ड्रन। आई एम
श्योर उनको बहुत मजा आने वाला है. थैंक यू मैम, थैंक यू. आप लोगों के साथ में यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना? आया ना, लड़कियां इतनी आई हुई हैं, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है ना. तो एक बार आप जोरदार तालियां बजाइए मिस्टर विनायक कांबले के लिए जो फीनिक्स मार्केट सिटी का सिक्योरिटी हैंडल करते हैं. मे आई प्लीज हैव यू ऑन स्टेज प्लीज. और अभी प्राइज देने के लिए यस the prize for the most enthusiastic performer of the Phoenix Market. और आप लोग जानते हैं why श्वेता गोरेट हर दिन श्वेता ने का बहुत बड़ा थैंक यू बोलना है जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए जी जान लगा दी. सो आप लोग तालियां बजाएंगे उनके लिए. यो यो. ये प्राइज उन्हीं के कारण आ रहा है, तो जोर से तालियां बजाइए प्लीज. फीनिक्स मार्केट सिटी का सारा काम, सारी मार्केटिंग देखने वाले मिस्टर मयंक, कैन आई प्लीज हैव यू ऑन स्टेज सर. सर आई वुड लाइक टू थैंक यू for giving all of us this great opportunity because dancers ke liye platform is most important, am I right? Kahin bhi dance karne ka mauka milna chahiye aur hum log taiyar rehte hain apna jazba dikhane ke liye. And thank you for organizing this for all of us and thank you for giving us a platform. Thanks a lot. Aur result announce ho jaye aapke paas, I think we have the result. Good evening everyone. The grand prize of the sizzling performer of the Phoenix Market City Dance Week to win 6 nights, 7 days free international trip to Thailand by Country Club goes to Kadam and Raina Parekh. ये जोड़ी जो है ये अहमदाबाद से मुंबई आई थी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए and they are a real life couple as well and they danced Kathak on the classical dance day. Okay.
डांस वीक हमने ऑर्गेनाइज किया, 5 दिन का ये फेस्टिवल था, सेलिब्रेशन था, आज डांस डे है। तो ये फेस्टिवल इसलिए मनाया गया ताकि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे हर प्रकार के डांसेस हों, फोक भी हो, क्लासिकल भी हो, बॉलीवुड भी हो, हिप हॉप हो, कंटेम्प्रेरी हो, जो आप डांस का नाम लें वो डांस एक साथ होना चाहिए। बिकॉज नॉर्मली हम देखते हैं एक किसी प्रकार का फेस्टिवल होता है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे डांसेस एक साथ एक मंच पर आए हैं और मुझे बहुत खुशी है दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस एंड वी हैव बीन एबल टू मेक अ सक्सेसफुल इवेंट। बहुत मज़ा आया, हर दिन एक नया नया फॉर्म देखने को मिला, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए थे। जो लड़का जीता आज फोक डांस वो जम्मू से आया था, जो विनर्स हुए इसके वो अहमदाबाद से आए थे। तो हर तरह से जगह से लोग आए, हर तरह का डांस हुआ है और ये मंच पूरा हिल रहा था 5 दिन तक एंड अभी थोड़ा जाके कहीं शांत होगा। डांस डे मेरे हिसाब से हर दिन जो होता है वो डांस डे होता है, पर कहीं ना कहीं पे डांसर एक साथ आए, एक साथ मिल करके सेलिब्रेट करें, उसी को डांस डे माना जाता है। और आज का दिन जो था प्रूव दैट हर प्रकार का डांसर एक साथ आए और डांस करे। जी बहुत इन्जॉय किया, मैं आज पहली बार आया हूँ यहाँ पे 5th डे पे और मुझे बहुत ही मज़ा आया क्योंकि आज बॉलीवुड का डे था एंड बॉलीवुड के अंदर जैसे कि पहले बात हुई थी कि सारे के सारे फॉर्म्स आ गए कहीं ना कहीं, लेकिन जो इंट्रिकेट डांसेस होते हैं, जो एक एक क्लासिकल, एक सालसा, एक कपल डांस, वो ऑब्वियसली मेरा मिस हो गया, लेकिन बॉलीवुड में मुझे बहुत मज़ा आया। जी मैं कोई बहुत ट्रेन डांसर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बाराती डांसर हूँ, तो बारात में मैं खुल के डांस करता हूँ, इसलिए बॉलीवुड इनफैक्ट शायद मुझे तभी बुलाया गया हो क्योंकि मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है। सर क्या पूछ रहे हैं? सी डे बाय डे डांस का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। काफ़ी दिनों के बाद मैंने एक ऐसा कोई डांस इवेंट अटेंड किया जहाँ पे मुझे इतने कम उम्र के बच्चे और इतनी जगहों से आए हुए बट इतना सारा टैलेंट और इस तरह का, मतलब उन्होंने तो धूम 3 क्या थी, धूम 15 यहाँ मचा रखा था, अलग ही लेवल था। एंड आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल टू संदीप कि उन्होंने ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया एंड टू फिनिक्स सिटी ऑल्सो, जिसकी वजह से उन लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाया। तो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू देम एंड मुझे बड़ा मजा आया, आई हैड माय डे, आई एम वेरी मच हैप्पी। आपको गोविंदा स्टाइल डांस पसंद है? मुझे हर तरह का डांस पसंद आता है।
डांस होना चाहिए, मजे आने चाहिए, उठ के ताली बजाने का मन करना चाहिए बस। बिल्कुल। मैं बस यही बोलूंगा कि डांस जो है लोगों को बांधता है, हम लोग डांसर्स केवल माध्यम होते हैं उन लोगों को साथ में लाने का, और ये डांस वीक जो है मेरा यही प्लान था कि सब डांसर एक साथ में आएं और ऐसा कुछ जगह बने, ऐसे कुछ माहौल बने कि लोगों को ये ना लगे कि भाई मैं क्लासिकल हूँ, मैं फोक हूँ, मैं कोई दूसरे वेस्टर्न डांसर हूँ, सब एक साथ का, सबको सबका एक साथ मेल होना चाहिए, और यही डांस वीक का मकसद था। डांस वीक ज़रूर दोबारा ऑर्गेनाइज करना चाहूँगा, ये हमारा पहला था, हर साल मैं चाहूँगा कि डांस वीक ऑर्गेनाइज हो ताकि हर कोई एक साथ आके डांस कर सके। वेल अभी तो पहला हुआ है, अभी कल्मिनेशन हुआ है, अभी आगे क्या होता है वो देखेंगे, पर लेकिन डांस भी जरूर होगा हर साल। मेरे हिसाब से डांस वीक जो है, डांसर जो है वो हर कोई साथ में आता है, उसमें डांस एंथुजियास्ट हर कोई होता है। प्राइज देने के लिए हमारे पास सब लोग थे, सिंगर्स थे, पेंटर्स थे, डिजाइनर्स थे, एक्टर्स थे, तो पॉलिटिशियन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे कंट्री का, तो आई थिंक हर कोई साथ में आना चाहिए, वही मकसद है। आई हैव अ फ्यू फिल्म्स लाइंड अप, कुछ आने वाली फिल्में हैं, एक फिल्म है जो अरुण राजेश जी के साथ में है, इट्स कॉल्ड झूम जिंदगी झूम, एक और फिल्म है एन चंद्रा जी के साथ कॉल्ड साइक्लोन, एक तीसरी फिल्म है नपमा राजू जी के साथ में जो अभी तक टाइटल नहीं दिया गया है पर लेकिन एक फिल्म इन द मेकिंग है, और चौथी फिल्म जो है वो है मोहब्बत है क्या चीज़। आई थिंक चार मूवीज हैं जो लैटिन अमेरिकन डांसेस पे बेस्ड हैं, तो आप वो देखेंगे। वेल अभी मेरा रियलिटी शो कल ही ख़त्म हुआ है, कॉल रूम झूम ऑन दूरदर्शन, अभी उसका सीजन 2 शुरू होने वाला है, तो होपफुली आई शुड बी देयर एज वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं गिरू नहीं है पीछे का, आप निकल आए सीधा इंटरव्यू से गायब हो गए, सीधा गायब इंटरव्यू से, इतने लोग मुझे डरा रहे हो क्या, डरा रहे हो आप लोग मुझे, इतने सारे लोग। हेलो एंड नमस्कार एंड दिस इज जसी कौर, आप सब मुझे सुन सकते हैं और देख सकते हैं अपने अपने चैनल्स पर। हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नयापन देखने मिलता है। टुडे वाज अगेन वन ऑफ द बेस्ट डांस कंपटीशन जो हम कह सकते हैं देखने मिला, एंड यू नो छोटे छोटे बच्चे आते हैं एंड देयर वर एल्डर्स आल्सो, बट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर, इट वाज डिफरेंट एंड नाइस टू सी एवरीथिंग टुडे अगेन डांस। You know, I think Govinda style में जितना हम हंसे हैं ना सब लोग, आप लोग भी, मैंने सबको सुना, हम बहुत हंसे हैं because वो एक अपना ही style है and वो एक brand बन चुका है, तो जब भी उनके गाने आते हैं वो naturally एक smile आती है, because हम सब believe करते हैं कि जब आप dance करते हो दिल से करते हो और आप express करते हो, so you have that smile on you। जो आई थिंक राहुल है, आई एम नॉट मिस्टेकन उसका नाम, जो अवार्ड लेकर गया है, जिसने रिमिक्स किए एंड लॉट ऑफ मिक्स किया, एंड इट वाज फन, इट वाज ग्रेट। लगाई ले लाल लिपस्टिक, जो हंसे हैं हम सब, सुपर रिमिक्स किया उसने। संदीप के लिए हमेशा ही हम सपोर्ट में रहते हैं, पहले भी यहाँ आ चुके हैं डांस के लिए, हम उनके लिए परफॉर्म भी करते हैं, और एक प्लेटफॉर्म जिसकी ज़रूरत होती है वो संदीप शुरू कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई होप ऐसे ही और बड़ा होते जाए, बहुत बड़े स्केल पर चले। थैंक यू वेरी मच। हाँ, जैसे आपने कहा मैं फैशन मॉडल से हूँ एंड पहली बार मैं ये एक डांस शो अटेंड कर रही हूँ। बच्चों की जो एनर्जी थी, छोटे बड़े इतना कर रहे थे कि मुझे लगा था कि मैं भी स्टेज में जाके उनके साथ डांस करूँ, पर मुझे मौका मिला नहीं। होपफुली नेक्स्ट बार मैं संदीप से रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे भी एक परफॉर्मेंस दे दे। आप किस तरह डांस करना पसंद करेंगे? डेफिनेटली बॉलीवुड फर्स्ट, क्योंकि हमारा कल्चर है बॉलीवुड, बट डेफिनेटली मुझे कथक और भरतनाट्यम का बहुत शौक है, तो दोनों में से एक मैं करना चाहूँगी पहले। आज की तारीख में जो आज परफॉर्मिंग हुई सब बेस्ट थी, लेकिन आपके दिल के करीब कौन रहा सकता है?
एक्चुअली सारे अच्छे थे, फ्रैंकली क्योंकि हर बच्चा का जो एनर्जी था, जो पैशन था, वो दिखाई दे रहा था, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है एक बोलना, बट डेफिनेटली जो जीता वो भी बहुत ही अच्छा था, बट आई लाइक ऑल ऑफ देम. सॉरी, आई लाइक द लिटिल स्टार्स, उन्होंने बहुत दिल जीत लिया सबका, मेरा भी. डेफिनेटली मुझे डांसिंग का पैशन है, मैं थोड़ा सा संदीप के सीख के फिर सबको जाके भी सिखाऊंगी, तो इनडायरेक्टली आई विल बी इन्वॉल्व विद देम आल्सो. संदीप से सीखूंगी मैं पहले और फिर जाके बच्चों को सिखाऊंगी. पहले आई शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट एंड देन टीच द स्टूडेंट्स. थैंक यू.